एकछत्रवाद शासन विरोध में जारी रही लड़ाई गणतंत्र रक्षापी कांग्रेस सहित साथ देखती तमाम विरोधी दल शरद पवार एनसीपी नीतीश जेडीयू तेलंगाना शासक दल बीआरएस सीपीएम सीपीआई आम आदमी पार्टी एआईडीएमके टीएमसी आरजेडी समाजवादी पार्टी जेएमएम डीएमके आदि 18 दल एकजुट होती आज विरोधी शिवसेना सामिल हो पाए आगामी रणनीति नहीं पार्लियामेंट परिसर में विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खाड़गे कार्यालय में विरोधी बैठक नहीं निष्पत्ति सेपटे भ्रष्टाचारी विरोध में कांग्रेस स्वर उठाइबा जारी रखा वरिष्ठ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी देशर टंका लुटी फेरार हो मेहुल चोक्सी नीरव मोदी ललित मोदी को ओबीसी सहारा बीजेपी बंचेबा को चाहूँ से बीजेपी विरोध में कह देश विरोध में कह नुहे आदानी प्रसंग संसद चलेबा को देउनी बीजेपी पार्लियामेंट्रे आदानी विरोध में हिंडेनबर्ग रिपोर्ट रो चर्चा हेले बीजेपी मुखा खोली प्रमोद तिवारी कहते सेपटे राहुल विरोध में कार्यानुष्ठान और सदस्यता रद्द प्रसंग में आमेरिका नजर रखी बोली आमेरिकार विदेश मंत्रालय पक्ष वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए लेकिन घर खाली करे वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे हम खाली करके देंगे ऐसा घर खाली करके डराने का धमकाने का ह्यूमिलेट करने का ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है इसको मैं कंडम करता हूँ और ये थका नहीं होता कि लोकतंत्र में कहीं बार हम लोग तीन तीन महीने चार चार महीने विदाउट घर रहे। अब ये बंगला मेरे को मिलना तो मेरे को छः महीने के बाद मिला तो ये है लोग दूसरों को ह्यूमिलेट करने के लिए ये चीज़ करते हैं ऐसे एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूँ। राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनसे अडानी घोटाले के बारे में पूछ रहे हैं। शेल कंपनी में 20,000 करोड़ कैसे आए उसको पूछ रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार हुए उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या एक विपक्ष की हैसियत से एक लीडर का सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना प्रधानमंत्री का अपमान है? अगर ये प्रधानमंत्री का अपमान है तो ये तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमें बार बार प्रश्न पूछना पड़ेगा। मैं 29 जून से पार्लियामेंटेरियन हूँ, 9वां महीना आ रहा है, मुझे अभी तक घर नहीं मिला और जो व्यक्ति को फ्राइडे को डिस्क्वालीफाई किया गया है चंद दिन में घर खाली करने का नोटिस आ गया। मंत्री महोदया कितनों को आपने दो दो तीन तीन साल के लिए घर दिए हुए हैं उनको बोलिए, शायद उनको मालूम नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि आला कमान ने जो कहा वो आपने कह दिया, मुझे कब मिलेगा थोड़ा वो भी बता दें। सच बोलना अगर अपराध है, अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना अगर अपराध है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करना संसद और संसद के बाहर ही अपराध है तो स्मृति जी हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ही ये अपराध करती रहेगी। आज बेशर्मी उतर आए हैं सब एक अडानी को बचाने के लिए। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी को अगर उनके बारे में हम चर्चा करें तो भाजपा बैकवर्ड पिछड़े होने का ड्रामा करती है।